चलिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका रिवीजन हमें करना है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। चलिए देखिए, सुनना ध्यान से। आपका जो सीए इंटर का ऑडिट है, उसका जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटीज, उसमें तीन टॉपिक कवर होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट ऑडिट, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, और तीसरा अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज में जैसे कि हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल है, स्कूल वगैरह है, ये सब आ जाते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट में पढ़ा चुका हूँ, अदर एंटिटीज का ऑडिट में पढ़ा चुका हूँ। रिमेनिंग बचता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, जिसे हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से। जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में आता है सोसाइटी। तो सर पहले एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका, सोसाइटी क्या होता है, ठीक है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी, जैसे आपने सुना होगा सर कि अपन अगर नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे कि हम ट्रस्ट बना सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, वैसे हम सोसाइटी भी बना सकते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सो दिस इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन मेड फॉर सोशल वेलफेयर और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, ठीक है। गवर्न बाय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसका एक्ट भी अलग से ही है। तो पहली बात सर क्लियर कर दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सोसाइटी नहीं है, सोसाइटी अलग है, उसका एक्ट ही अलग है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब फाइनली अपन बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन मेड फॉर मेंबर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स ही बनाएंगे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, ठीक है। आपने बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम सुने होंगे, जिसमें अमूल एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एम्प्लॉई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, बहुत सारी ऐसी बना लेते हैं लोग, है ना, ठीक है। ध्यान रखें, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट पर्पस से भी बनाई जा सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस से भी बनाई जा सकती है। ध्यान रखें, प्रॉफिट पर्पस बोला है, इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो भी किस में बांटा जाएगा, मेंबर्स में ही बांटा जाएगा, ठीक बात है, ओके। अब सर सोसाइटीज की बात कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर लेते हैं, है ना। ध्यान रखें, सोसाइटी तो अलग ही हो गया, वो तो एक्ट ही अलग हो गया, उस पर तो डिस्कशन ही नहीं है, वो अपन पढ़ ही नहीं रहे, अपन पढ़ रहे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अब जब भी सोसाइटी बोलूंगा उसका मतलब अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी मान के चलना है ना, ओके। सो सोसाइटीज वर्किंग विद इन दी स्टेट, कुछ सोसाइटीज वो हैं जो स्टेट के अंदर ही वर्क कर रही हैं, सिंगल स्टेट में काम कर रही हैं। दूसरी कौन सी हो सकती है, मल्टीपल स्टेट में काम करने वाली सोसाइटीज, ठीक है। पहली बात कर लेते हैं वो सोसाइटीज जो विद इन दी स्टेट अपने ऑपरेशंस को चला रही हैं। उसमें एक तो स्टेट स्पेसिफिक एक्ट हो सकते हैं, मतलब उस स्टेट में अलग से उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो किसी जैसे एमपी में एमपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो सकता है ना, महाराष्ट्र की अलग एक एक्ट हो सकता है, हर स्टेट का अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक्ट हो सकता है ना। दूसरा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इसे सेंट्रल एक्ट भी कहा जाता है। कारण क्या है कि अगर किसी स्टेट का स्पेसिफिक एक्ट है ही नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो फिर कौन सा एक्ट काम करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है। तो अगर किसी स्टेट का स्पेसिफिक एक्ट नहीं है तो ये वाला एक्ट उस पर लग जाएगा, ठीक है। एक और बात, अगर स्टेट का अलग एक्ट है और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 तो है ही, तो ऐसे केस में कौन सा एक्ट माना जाएगा, मतलब कौन सा प्रिवेल कर जाएगा? तो हमेशा स्टेट का जो स्पेसिफिक एक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के ऊपर प्रिवेल करेगा, मतलब पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, स्पेसिफिक एक्ट अगर किसी स्टेट का है तो। अगर कुछ प्रोविजन वहां नहीं है तो फिर कहां जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, ठीक है। अब रही बात ऐसी सोसाइटीज की जो वर्क कर रहे हैं मल्टीपल स्टेट में, तो उनके ऊपर अलग से एक्ट लगता है, उसका नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम आगे बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात जो हमें पढ़नी है वो क्या है, वो है सर प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। दूसरी बात, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। और तीसरी बात, प्रोविजंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। तो देखा जाए तो इस
चैप्टर में तीन बातें मेनली कवर होने वाली हैं। पहला, जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है उसके प्रोविजन हमें पढ़ने हैं। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट से रिलेटेड प्रोविजन हमें पढ़ने हैं। ध्यान रखें, यहां पर ऑडिट वाले प्रोविजन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और तीसरी बात, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 2002 है उसके प्रोविजन हमें पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली हेडिंग से, प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और इसके अंदर कितनी हेडिंग पढ़नी है हमें? 10 हेडिंग्स पढ़नी है। सुनना ध्यान से, पहली हेडिंग क्या है सर? इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? पहली बात, सीए। चलो अच्छी बात है, पहली प्रायोरिटी हमको मिली है। दूसरी बात, कोई और पर्सन भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकता है, ठीक है। कौन कर सकता है? होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब केवल सीए का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट पर, और भी लोग हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हैं। पर्सन होल्डिंग गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी। इसके अलावा, कोई पर्सन हु सर्व्ड एज एन ऑडिटर इन दी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कोई और पर्सन जिसने किसी गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर काम किया है, तो वो भी क्वालिफाई होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग यहां पर क्लियर होती है, समाप्त होती है। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कौन ऑडिटर को अपॉइंट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के? रजिस्ट्रार। जैसे कंपनी में रजिस्ट्रार होता है, वैसे इनका भी अलग से रजिस्ट्रार होता है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के जैसे ही होता है, मतलब यहां पर शेयर्स भी होते हैं, शेयर मतलब मेंबर्स भी मिल जाएंगे आपको, रजिस्ट्रार भी मिल जाएगा, एजीएम्स भी होती हैं, सब चीजें कुछ सिमिलर होती हैं ऑलमोस्ट कंपनी जैसे, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट कौन करता है ऑडिटर का? रजिस्ट्रार करता है। फिर जो ऑडिटर होता है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और किसको देता है? रजिस्ट्रार को देता है और सोसाइटी को देता है। फिर रही बात ऑडिट फीस की, तो सर वो भी कहां से डिसाइड होती है? ऑन द बेसिस ऑफ फी स्केल प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार, ठीक है। रजिस्ट्रार ने जो भी फी स्केल प्रिस्क्राइब करके रखी है उसके हिसाब से ऑडिट फीस डिसाइड हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं सर हम, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो सर सबसे पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उस स्टेट में जहां पर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट जैसा कहेगी, जो जो बुक्स बनाने को बोलेगी वो आपको बनानी पड़ेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा सर, अब बात कर लेते बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या मेंटेन करना है। सो अगेन सिमिलर टू कंपनीज, मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, पैसा कितना है कितना खर्च हुआ उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सेल परचेज का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, असेट लायबिलिटी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अब देखेंगे तो कंपनी एक्ट 2013 में भी यही बुक्स ऑफ अकाउंट बताई गई, बुक्स ऑफ अकाउंट का यही मतलब होता है। अच्छा, वहां पर एक और आइटम होता है कॉस्ट रिकॉर्ड, जो यहां पर नहीं दिख रहा है। ओके सर, फिर सोसाइटी में ऑल्सो मेंटेन सम एडिशनल बुक्स, मतलब सोसाइटी अपने पर्पस के लिए कुछ और एडिशनल बुक्स भी मेंटेन कर सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर, कैश सेल्स समरी रजिस्टर, लोन डिसबर्समेंट रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, ऐसे कई अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं ये लोग, है ना। तो सोसाइटी में अधिकतर आपको रजिस्टर ही दिखाई देंगे। ओके सर, और आगे बढ़ते हैं। अगला है रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग, मतलब एक मेंबर सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मेंबर कितने शेयर होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम 20 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब एक मेंबर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से ज्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। और अगर वैल्यू के टर्म्स में कहें तो आप 1000 रुपये से ज्यादा के शेयर होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह आती है कि सर 1000 का अमाउंट इतना कम क्यों है? केवल इतनी से वैल्यू के शेयर होल्ड कर पाएगा एक मेंबर? तो सर ये इसलिए कम है क्योंकि ये प्रोविजन कब का है? ये है 1912 का, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। अब तब के हिसाब से 1000 रुपये बहुत ज्यादा होते थे, तो सही मायने में ये अभी तक अमेंड हो जाना चाहिए था, पर अभी तक अमेंड नहीं हुआ है, इसलिए बहुत कम दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप देखना, आपने पढ़ा होगा कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 141,
वहां पर बोला गया है कि आप वो कुछ दिए ना डिस्क्वालिफिकेशन, वहां बताया है कि आप 5 लाख से ज्यादा का लोन अगर आपने कंपनी से लिया है तो आप उसमें ऑडिटर नहीं बन सकते हो। वो अमाउंट भी तो पहले 1,000 हुआ करता था, कंपनी 2013 में आकर ही तो बदला है वो, है ना। खैर अपन काम की बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने होल्ड कर सकते हो आप, 20% और वैल्यू के टर्म में 1,000। एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे देखेंगे, मान लीजिए किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1,000 नंबर ऑफ शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 1,000 का 20% 200 होता है, मतलब 200 से ज्यादा शेयर आप होल्ड नहीं कर सकते हो, या मैक्सिमम 200 कर सकते हो ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। लेकिन अगर 200 करोगे तो 200 शेयर्स इंटू 10 ये तो 2,000 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम तो आप 1,000 से ज्यादा कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए इस केस में आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कितने होल्ड कर सकते हो, 100 शेयर। 100 शेयर करोगे तो दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, 100 शेयर इंटू 10 करोगे तो 1,000 ही आएगा, ठीक बात है। तो ध्यान रखना जब आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा ही बहुत अलग तरीके से है, मतलब बुक्स में ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो, लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत में। अगर आपको कभी केस स्टडी बन जाए तो आप ध्यान रखना इन दोनों में से जो कम होगा, जो लोअर होगा, उतना आप मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो, ठीक बात है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का 20% और साथ में ध्यान रखना वैल्यू 1,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोविजन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स, ठीक है। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोन दे सकती हैं, ठीक है सर। तो इन्होंने बोला है कि केवल किसको दे सकते हो, मेंबर को, नो पर्सन अदर देन मेंबर, मेंबर के अलावा आप किसी और को लोन नहीं दे सकते हैं, या फिर किसी और रजिस्टर्ड सोसाइटी को भी आप दे सकते हैं लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ और रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है ऑन लोनिंग पावर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ध्यान रखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेट में अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हो सकता है, तो हर बार स्टेट गवर्नमेंट को पावर होगी कि वो रूल्स के माध्यम से कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस आप पर लगा सकते हैं, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लगा सकते हैं, है ना। ये जो प्रोविजन है ये तो मेनली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को ध्यान में रखकर अपन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन हर स्टेट का अलग अलग एक्ट तो पढ़ नहीं सकते, है ना। फिर बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग, तो इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा कि अपन लोन किसको दे सकते हैं, तो बोला मेंबर को दे सकते हो, अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी को दे सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, और कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। रही बात पैसा ले किससे सकते हो, तो उन्होंने क्या बोला है आप मेंबर से ही आप क्या कर सकते हो, पैसा बोरो कर सकते हो, साथ में मजे की बात ऑल्सो फ्रॉम अदर्स सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ बायलॉज ऑफ सोसाइटी, जैसे कंपनी में MOA AOA वगैरह होते हैं ऐसे यहां पर क्या होते हैं बायलॉज होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप दूसरों से भी पैसा ले सकते हो, मतलब लेने में देखा जाए तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंबर से लो या किसी और से भी ले लो, बस अपने बायलॉज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है इस पर, कहां कहां कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, ध्यान से सुनिएगा सर। पहला सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, तो सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए। इसके अलावा एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक, मतलब किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में आप लगा दो लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है, तो एज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार। तो सेंट्रल या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बट एज अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। तीसरा सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ ट्रस्ट एक्ट 1882, तो ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 20 में कुछ लिस्ट दी है और वो सब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है मेनली, तो उन्हीं में बस आप अपना पैसा लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब आपके पास एक खुली छूट है, वो क्या है, आप दूसरी सोसाइटी में पैसा लगा सकते हो, दूसरी सोसाइटी की सिक्योरिटीज में आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वो वाली सिक्योरिटी जो रिस्क फ्री है, मतलब ट्रस्ट एक्ट 1882 में जो दी गई है, और दूसरी सिक्योरिटीज ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फाइनली अदर प्लेसेस परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो और कहीं भी लगा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जहां की परमिशन देगी वहां की। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट आप कितनी जगह कर सकते हैं, 5 जगह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके अगला है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें क्या बताया है, आप अपने प्रॉफिट को
बांटने की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें लिखा है कि 25% ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, मतलब आपको कम से कम 25% का तो रिजर्व बनाना है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एज डिविडेंड और बोनस। तो जो भी आपने कमाया है उसका 25% उसी का रिजर्व में ट्रांसफर कर दो कम से कम, ठीक है, और उसके बाद फिर आप डिविडेंड या बोनस के रूप में बांट सकते हो। साथ में लिखा है रजिस्ट्रार में रिड्यूस दिस, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी तो रजिस्ट्रार हो सकता है इस परसेंट को कम कर दे, लेकिन तब भी किससे कम नहीं करेगा, 10% से कम तो तब भी नहीं कर सकते, 10% तो आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना ही है। अगर अपन कंपनी एक्ट की बात करें तो वहां पर अब कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब आप चाहो तो रिजर्व में ट्रांसफर करो ही ना, है ना, वो एक अलग बात है। हालांकि यहां पर क्या है, 25% तो आपको ट्रांसफर करना ही है, रजिस्ट्रार चाहे तो इसको कम करके 10% तक कर सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल पर्पस, दान की बातें चल रही हैं भाई, तो क्या लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मे कॉन्ट्री विथ परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार, इसका मतलब कंपल्सरी नहीं है कि आपको चैरिटेबल पर्पस में कॉन्ट्री करनी है, आप चाहो तो करो और वो भी विद दी परमिशन ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ध्यान रखें नेट पर नेट प्रॉफिट भी कौन सा वाला, आफ्टर मेकिंग कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, मतलब 100 रुपए कमाए तो 100 में से 25 तो चले गया कहां पर, रिजर्व फंड में, अब बचा कितना 75 रुपए, उसका 10% तक आप क्या कर सकते हो चैरिटेबल पर्पस में दे सकते हो, है ना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड, इसमें क्या लिखा है, सम स्टेट एक्ट, ध्यान रखें कुछ स्टेट एक्ट की बात चल रही है बस ये, है ना, कुछ स्टेट एक्ट ऐसा कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रोवाइड कॉन्ट्रीब्यूशन एनुअली टुवर्ड्स एजुकेशन फंड विथ प्रिस्क्राइब रेट, मतलब कुछ स्टेट के जो अलग से एक्ट है उनमें बताया है कि आपको एजुकेशन फंड में भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्री कर सकते हो प्रिस्क्राइब रेट के साथ, और इसका फायदा ये होगा कि इसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा बल्कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, तो अच्छा है, कम से कम आपको जब टैक्स लगेगा तो पहले इस कंट्रीब्यूशन को घटाया जाएगा फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, है ना। ओके, लास्ट प्रोविजन, और वो क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड, अच्छा जो प्रॉफिट का 25% था जो कि अपन को रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो उस रिजर्व फंड का करेंगे क्या, उसको कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, भाई कैश में तो रख ही नहीं रहेंगे, कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, तो कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी ध्यान देना सर, इसमें लिखा है सम स्टेट एक्ट प्रोवाइड, इसका मतलब हर जगह ऐसा नहीं है पर कुछ स्टेट एक्ट प्रोवाइड करते हैं, या यूं कहो कि काफी सारे स्टेट एक्ट ऐसा ही प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं वो कहते हैं कि आप इस पैसे को कहां लगा देना, बिजनेस में ही लगा देना, किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस में ही लगा देना एज वर्किंग कैपिटल। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी अदर पब्लिक पर्पस के लिए लगा दो, लाइकली टू प्रमोट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के ही पर्पस को क्या करे, प्रमोट करे, ठीक है। और एक फाइनली, मे इन्वेस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट, ध्यान रखे जो भी हो इन्वेस्टमेंट करते समय एक्ट के प्रोविजन को ध्यान में रखना ही है, तो वो तो ऑब्वियसली रखते ही है अपन, है ना। तो अच्छा ये होगा कि आप इस पूरे जो मैंने समझाया इसको प्रॉपर आप कॉपी में नोट्स बना लें तो और अच्छा होगा, आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका अगला पार्ट जल्दी ही मैं बनाकर अपलोड करने वाला हूँ, है ना। ओके, बाय बाय।